नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रैबरे खेल, रैबरे ज़रात, नाम तो आपने सुने होंगे। लगातार रैबरे खेल के जो बच्चे थे प्रदर्शन करते हुए नजर आए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब कोशिश ये कर रही है कमेटियाँ बनाकर कहीं ना कहीं इन बच्चों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए। कॉन्फिडेंस में जरूर लीजिए जनाब आप, लेकिन इन बच्चों की जो नौकरी है वो दीजिए। देखिए, सैलरी मात्र 3,000 रुपया थी, लेकिन ये बच्चे यानी कि रैबरे खेल जो टीचर्स हम जिनको बोलते हैं, ये भी आगे बच्चों को जो है वो ट्रेनिंग देते हैं। जब ये टीचर्स अपने बच्चों के आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं सही जो फीलिंग है वो नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि जब 3,000 इनको मिल रहा है, जो बच्चे इनसे सीख रहे हैं उनको क्या मिलेगा। चलिए धीरज जी से बात करते हैं। धीरज जी, थोड़ी बहुत मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप जब बच्चों को सिखाने जाते हैं थोड़ी बहुत पेन आपको भी होती है। आपने इतना वक्त दिया है, लेकिन सरकार ने आपको क्या दिया, मात्र 3,000 रुपया, क्या कहेंगे आप? सर वो तो होती है। थैंक यू। पहले गुलशन जी, आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं रैबरे खेल को। रैबरे जरात हो गया तो आप हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। कभी भी हमारी कोई बात उठानी होती है तो आप सबसे पहले आगे आते हैं। तो हाँ जी सर, आपका क्वेश्चन था कि बच्चों को सिखाना। देखिए सर, हम ना इन चीज़ों से कभी पीछे नहीं हटते कि बच्चों को सिखाना। बच्चों को अपने बच्चों की तरह सिखाते हैं, अच्छे प्रिपेयर करते हैं बच्चे। हम यहाँ पर भी कंपटीशन करने जाते हैं, बच्चे अच्छा रिजल्ट लाते हैं वहाँ पर। लेकिन ये है कि अपने दिल में होता है कि बाकी टीचर्स की तरह अगर सैलरी भी हमारी हैंडसम हो जाए वैसे ही, तो वो हमारे साथ बहुत बड़ा जस्टिस होगा। एक धीरे जी, करोड़ों रुपया जो है वो स्पोर्ट्स पे खर्चा किया जा रहा है। अभी बहुत से स्पोर्ट्स इवेंट्स हुए जिसने प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हमारे जो बच्चे हैं वो बढ़ेंगे। अब जम्मू एमएस स्टेडियम पर 127 करोड़ रुपया लगाया गया है, लेकिन जब बात की जाती है कोचेज़ की, टीचरों की, उनके ऊपर पैसा क्यों नहीं लगाया जा? सर उनको स्टेडियम का पता है ना कि करना है। ये बात, ये मुद्दे वहाँ पे पहुँचाए जाते हैं मोदी साहब के आगे या अमित शाह जी के सामने। उनके सामने हमारा मुद्दा किसने बताया होगा? अगर उनको इस बात का पता चलेगा तो आप दूसरे ने रिएक्शन देखना कि कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन बताएगा कौन? हमारे लीडर्स कभी जाते हैं उनके पास बताने के लिए कि सर इतना इतना इनजस्टिस हो रहा है इन टीचर्स के साथ जो ये लगे हुए हैं, इतनी सैलरी ले रहे हैं ये, और ये फुल टाइम स्कूल में अपना स्पेंड कर रहे हैं, हर एक ड्यूटीज़ दे रहे हैं, कोविड ड्यूटीज़ दे रहे हैं, फिर जो YSS कप हो रहा है, LG ट्रॉफीज़ हो रही हैं, खेलो इंडिया हो रहा है, बैक टू विलेज प्रोग्राम हो रहे हैं, जितने भी इवेंट्स होते हैं सारे यही टीचर्स हमारे ऑर्गेनाइज़ करके देते हैं हमें। धीरज जी, कड़कती धूप थी, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के बाहर आपने प्रदर्शन किया था, तब भी आपको आश्वासन देकर उन्होंने भेज दिया कि आपके लिए कुछ कर रहे हैं, क्या लगा कुछ होगा? और सबसे बड़ी बात, थोड़े दिन पहले यहाँ पर जब विलय दिवस जो मनाया जा रहा था, तब भी आपके बच्चों ने कोशिश की थी रविंद्र रैना जी से मिलने की, लेकिन नकार आ गया, कारण क्या है? देखो सर, मिलता मैं उनसे बड़े बारी हूँ, लेकिन देखो वहाँ पे हमें उठाया गया था पोटैश से LG साहब के कहने पे। LG साहब ने मुझे ओपनली बोला था कि हम गए थे, जो हमारा डेलीगेशन गया था मिलने के लिए, हम उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, जम्मू कश्मीर के एक महान ब्यूरोक्रेट्स हैं वो, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो, तो हम उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने मुझे बोला था कि 7 जून तक आपका ऑर्डर आ जाएगा, चीफ सेक्रेटरी साहब यहाँ पे नहीं है, तो आप उठाओ अपने प्रोटेस्ट को वहाँ से। तो हम प्रोटेस्ट वापस आए थे रविंद्र रैना जी को बीच में डाल के, फिर हमने प्रोटेस्ट उठाया था कि कल को अगर नहीं होता है तो रिस्पॉन्सिबल आप लोग हैं। ये जून महीना तो चला गया, अब 5 मेंबर ये जो कमेटी है वो इन्होंने गठित की है, 5 मेंबर, क्या लग रहा है अब वो 5 मेंबर आपकी आवाज़ उठा पाएंगे? देखिए, पहले तो आपका जो टाइम किल किया जा रहा है, टाइम को वेस्ट किया जा रहा है, अब आने वाले वक्त में हो सकता है इलेक्शन आ जाए, तो क्या कुछ 5 मेंबरी कमेटी कुछ करेगी आपके? देखो सर, मैं आपको एक बार बताता हूँ, पहले क्या था, बायोमेट्रिक नहीं थी, जहाँ कुछ नहीं था, हम छुट्टी रख के भी जहाँ कभी इनके पास ऑफिस जाते थे, मीडिया में आ जाते थे। अब हम 4 बजे से पहले आ नहीं सकते, 4:30 बजे तक घर पहुँचते हैं, फिर बायोमेट्रिक है वहाँ पे, उससे पहले हम अगर मीडिया में जहाँ कहीं पर जाएंगे तो एक्शन होंगे हमारे पे भी। और दूसरी बात बोल रहे हैं 5 मेंबरी कमेटी, कमेटी बनाई, कमेटी ने हमें बुलाया, पहले नहीं बुलाया था, फिर हमने कॉल वगैरह भी की, तो फिर कुमिंदर गुप्ता जी ने हमें बुलाया था अपने घर पर, तो बातचीत हुई थी। लेकिन कमेटी क्या रिपोर्ट बना रही है, जैसे अब आप देखें, दो तीन दिन पहले बलवंत सिंह मंगोटिया जी ने बड़ा एक मीडिया में बोला था कि डेली वेजेस 2 दिन यहाँ पे आ जाओ, जितने भी हैं हमने कमेटी जो बनाई है तो हम उनकी बात सुनेंगे और जो भी उनके पॉइंट हम रखेंगे बाद में हम उनकी शॉर्ट आउट कराने करेंगे इनकी। और कमेटी बनाई है तो कमेटी का ये फ़र्ज बनता है हमें वो पॉइंट्स बताएं क्या रखे हैं हमारे मेन, और कमेटी कब मतलब करेगी, 1 महीना हो गया, मतलब कब कितने दिन, ये तो फिर मतलब कि ये कमेटी अगर मतलब लंबा लेना, फास्ट ट्रैक पे नहीं करना, तो फिर मुझे नहीं लगता कमेटी का बेनिफिट है। कमेटी में कविंदर गुप्ता जी, प्रिया सेठी जी, कहीं ना कहीं 5 मेंबर हैं, अपने सलाथिया साहब हैं उसमें, अपने पठानिया साहब हैं उसमें, और कहीं ना कहीं और एक व्यक्ति हैं, मुझे उनका नाम सुरेंद्र चौधरी जी जी, वो इस कमेटी में गठित हुए हैं। क्या लग रहा है उनको रैबरे खेल, रैबरे ज़रात के बारे में कुछ पता है, कुछ
दे पाएंगे? देखें सर, अब डेलीगेशन तो उनके साथ काफ़ी टाइम, काफ़ी ऐसा कोई लीडर है नहीं जिनको हम मिले नहीं हैं, मिले तो काफ़ी हैं, बीजेपी ऑफिस काफ़ी बार गए हैं, पता इनको सब है। सर देखो, अगर करवाना है तो बड़े बड़े दिग्गज लीडर इसमें बैठे हैं, ठीक है। उस समय पीडीपी में वो थे तो बीजेपी में ये थे, तो जिन्होंने पॉलिसी लाई है जो हमें लगवाया है, ठीक है। लेकिन अब ये इतने बड़े बड़े लीडर्स, गोविंद गुप्ता जी आप फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं, हमारे स्पीकर भी रहे हैं पहले, प्रिया सेठी जी खुद एजुकेशन मिनिस्टर हैं, पठानिया साहब खुद एक ला के भी अच्छे नॉलेजेबल लीडर हैं, तो ये है कि अगर तब भी, अगर इतने बड़े बड़े लीडर डालने के बाद भी अगर एक बनाएं, हमें साथ लेके जाएं, एलजी साहब के पास जाएं, सेंटर में बात करें अमित शाह जी से कि ये मुद्दे हैं हमारे एक दो। गुप्ता जी जो है, कुविंदर गुप्ता जी कहीं ना कहीं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को जो है मैनेज इस वक्त वो कर रहे हैं, हो सकता है आपकी बात भी कर दें, क्योंकि मैं अगर मानूँ तो बड़े नेता के कदभार पर इस वक्त कुविंदर गुप्ता जी हैं, क्या लग रहा है कि इस वक्त वो आपकी आवाज़? देखें सर, उन्होंने घर में बताया था, बुलाया था, बात अच्छे से की, उन्होंने पॉइंट वही रखे हैं जो हमने उनको बोले हैं। उसके बाद ये है कि कश्मीर गए थे वो, तो वहाँ पे भी हमारे डेलीगेशन मिले, रायबरेली जंगलात वाले भी वहाँ पे उनको मिले हैं जाके, तो जंगलात का भी देखें आपकी, उनके भी 5 साल कम्प्लीट हो गए हैं, तो अभी तक उनका कुछ नहीं, उसके बाद भी, तो हमारा भी उन कुविंदर गुप्ता जी पे भी उम्मीदें हैं कि वो करें हमारी अब बात। अब श्रीनगर भी उनको डेलीगेशन मिला, यहाँ पे भी मिला है, अब वो उन्होंने बोला था कि 25 को हम फाइनल करेंगे कुछ, आज 25 है, आज कोई हमारी कॉल नहीं, कोई कुछ नहीं, ऐसे तो अभी तक हुआ नहीं है कुछ, लेकिन उम्मीदें इन पे हैं, और किसी भी उम्मीदें भी कहाँ पे रखें हम। देखिए 25 तारीख आज है, कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से यहाँ काम कर रही है, इनडायरेक्टली सरकार इनकी है, और काम जो कर रहे हैं ये आपको दिख रहा है, और इन बच्चों का विश्वास भी जो है भारतीय जनता पार्टी पर, विश्वास क्यों ना करें, क्योंकि हिंदूवादी सरकार और 25 के 25 इस वक्त जो एमएलए हैं कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, बाकी पार्टियों से भी निकल कर कहीं ना कहीं इनके पास आ चुके हैं। अब दायरा बड़ा हो चुका है, और दायरा अगर बड़ा हुआ है तो कहीं ना कहीं इनका काम भी बड़ा होना चाहिए, और रैबरे खेल रैबरे ज़रात के जो बच्चे हैं वो अपना हक मांग रहे हैं, हक इसलिए क्योंकि प्रदर्शन करते हुए कहीं ना कहीं ये पहले करते थे, बायोमेट्रिक शुरू कर दी, प्रदर्शन भी खत्म करा दिए, इनको बिठा दिया, लेकिन इनकी जो बात है वो अभी तक रखने की, 5 मेंबरीय कमेटी बना चुके हैं, अब ये कमेटी का रिजल्ट क्या निकलता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।